हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 11 जुलाई और आप सभी के लाए हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एवेन्यू सुपरमार्ट के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के, जो आ चुके हैं आपके साथ। मैं शेयर करना चाहूँगा इसके रिजल्ट्स। तो आप देख सकते हो आज एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड ने, जिसे हम डीना मार्ट से भी नाम से भी जानते हैं, 11 जुलाई को इसने अपने रिजल्ट आज पब्लिश कर दिए हैं फॉर द क्वार्टर वन फॉर द 2021। और वहीं अगर हम बात करें, सबसे पहले हम इसके रिजल्ट्स देखने वाले हैं स्टैंड अलोन के, और वहीं सारी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हमारे को करोड़ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे को क्वार्टर टू क्वार्टर डिफरेंस देखने को मिलेंगे जून एंड मार्च के बिटवीन में, और वहीं यहाँ पे ईयर ऑन ईयर डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे 2019 और 2020 के जून में। तो अब बात करते हैं टोटल इनकम की। टोटल इनकम लगभग इस बारी 3884 करोड़ हमारे को देखने को मिली, जहां अगर हम मार्च की बात करें तो वहां 6229 थे। तो यहां पे 2400 के आसपास के डिक्लाइंस टोटल इनकम देखने को मिल रही है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो यहाँ भी हमारे को डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लगभग अगर हम बात करें तो 1900 के आसपास का ये डिक्लाइन हमारे को ईयर ऑन ईयर बेसिस भी देखने को मिल रहा है टोटल इनकम में। अब टोटल एक्सपेंसिस की बात कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंसिस इस बार क्वार्टर में 3818 करोड़ रहे देखने को, मतलब जो लगभग इन्होंने कमाया उसमें से इतने तो इनके एक्सपेंसेस भी चले गए। पर वहीं अगर पिछली बारी भी देखें तो एक्सपेंसेस इनके पिछली बारी मार्च में भी ज़्यादा थे 5883, पर अगर कंपेयर करें यहाँ की इनकम से और एक्सपेंसेस से तो इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए, काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर ईयर ऑन पहले की बात करें तो वहाँ 5276 करोड़ के एक्सपेंसिस थे, जो लगभग यहाँ पर गैप हमारे को 500 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर हम बात करें हमारे को 64 करोड़ के डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं मात्र। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए कंपनी के इस बार स्टैंड अलोन में। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो भैया कंपनी के प्रॉफिट मात्र 6656 करोड़ के रह चुके हैं। वहीं अगर पिछली बारी मार्च में कंपेरिजन किया जाए तो वहाँ 346 करोड़ के प्रॉफिट से, और वहीं 2019 के जून में लगभग 516 करोड़ के प्रॉफिट थे। तो भैया प्रॉफिट कहीं ना कहीं प्लंज होते हुए नज़र आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। वहीं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं तो इस बारी के प्रॉफिट लगभग 49.56 करोड़, और वहीं मार्च में 286 करोड़, और वहीं ईयर ऑन पहले लगभग 335 करोड़। तो भैया ये लगभग 80 के आसपास अगर हम बात करें तो प्रॉफिट प्लंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड की बात कर लेते हैं तो इस बारी के प्रॉफिट दिख रहे हैं 48.53 करोड़, मार्च में 287.36 करोड़, और वहीं ईयर ऑन पहले 334.99 करोड़ ऑलमोस्ट। तो भैया यहाँ पे लगभग 80% तक के हमारे को प्रॉफिट प्लंज होते हुए नज़र आ रही है। तो चलो स्टैंड अलोन के थे, अब कंसोलिडेट के रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। कंसोलिडेट रिजल्ट्स भी आपके सामने हैं। तो फिर अगेन यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर एंड यहाँ पे ईयर ऑन ईयर और सारी वैल्यू हमारे को इन टर्म ऑफ क्रोड्स। तो टोटल इनकम देखे तो ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे 3933 करोड़ की है, और ईयर ऑन मार्च की बात करें तो 6290, और ईयर ऑन की पहले की बात करें तो 5825। तो मेजर डिफरेंसेस भी नहीं आ रहे कंसोलिडेटेड में, वैसा ही सेम दिख रहा है। और वहीं अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस भी इस बारी बढ़ते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं 3875, एंड मार्च में अगर बात करें 5957। तो यहाँ पे हमारे को डिफरेंस लगभग अगर हम बात करें तो 350 के आसपास देखने को मिल रहा है टोटल इनकम एंड एक्सपेंसिव्स, तो 350 ज़्यादा दिख रहा है। और वहीं अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 25 और 33 ये हो गया ऑलमोस्ट 58 के आसपास के डिफरेंसेस है, मात्र 58 करोड़ के आसपास। तो एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर भी बात करें, चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी हम इन दोनों के बीच के गैप ढूंढे तो काफ़ी बढ़ते हुए इस क्वार्टर में होते हुए नज़र आ रहे हैं जो जून 2020 का है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं, जो लगभग 40 करोड़ के आसपास दिखा रहा है, और वहीं हमारे को मार्च में 271 करोड़ के आसपास था, और ईयर ऑन पहले लगभग 323 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड्स की बात कर लेते हैं, लगभग 40 करोड़ के प्रॉफिट्स रहे हैं
अगेंस्ट, अगर क्वार्टर टू क्वार्टर की बात करें 271 करोड़ के अगेंस्ट 40 करोड़ के प्रॉफिट, और ईयर ऑन ईयर के बेसिस बात करें 323 से मात्र 40 करोड़ के प्रॉफिट रह गए। तो भैया प्रॉफिट जितने कंपनी के होते थे जिसके दम पे शेयर हमारे को भागता हुआ देखने को मिल रहा था, कहीं ना कहीं ये प्लंज होते हुए नज़र आ गए हैं। मोर देन 80% के आसपास बोलेंगे ये प्लंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अर्निंग पर शेयर की बात करें तो बेसिक और डायल्यूटेड में भी देखोगे तो मेजर डिफरेंसेस दिख रहे हैं। कहाँ 4.25 था, इस बारी एक भी नहीं रह पाया। ईयर ऑन पहले की बात करोगे तो जो लगभग 5.16 थे, तो उससे तो आप देखोगे तो एक भी नहीं रह पा रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे को 80% से ज़्यादा के गिरावट देखने को मिली है इनके प्रॉफिट्स में। तो अब चलते हैं इसके कुछ रिटर्न्स पे। तो पिछले एक महीने में ये करेक्ट होता हुआ नज़र आया है, जहाँ सिंसेक्स मात्र 6.85% चढ़ा है और इसमें 2% की हमारे को गिरावट देखने को मिल रही है। ईयर ऑन हाफ ईयरली बात करें तो लगभग 26% तक इसने रिटर्न्स दिए, जहाँ सिंसेक्स करेक्ट होता हुआ नज़र आया था 11%। और वहीं अगर ईयर ऑन की बात करें तो भैया ईयर में इसमें लगभग 72% तक के रिटर्न भी दे चुका है, जहाँ सिंसेक्स मात्र 5.5% की गिरावट में देखने को मिला है। तो भैया जो लॉन्ग रन था इसका, ये भागता हुआ हमारे को नज़र आता था इसके प्रॉफिट्स की वजह से, क्योंकि इसके अच्छे बिजनेस पर COVID-19 का इम्पैक्ट डीमार्ट पे भी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब आ चुके हैं इसके चार्ट पे, जहां हमारे को इस पे दिख रहा है कि अपने 20 डेज के EMAs के नीचे ट्रेड्स कर रहा है और 50, 100 and 200 डेज के ऊपर एवरेज कर रहा है। स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे तो है ही है शेयर, पर अभी करेंट प्राइस पे बात करें 2,332 पे अभी करंट लेवल है इसके प्राइस का। और वहीं अगर अकॉर्डिंग टू बॉलिंजर बैंड देखें तो इसमें अगर स्लाइटली करेक्शन होती है तो लगभग 2,268 प्राइसेस तक हम इसको जाते हुए देख सकते हैं। वहीं ऊपर का इसका सपोर्ट जो रेजिस्टेंस एक्ट करेगा 2,324 के आसपास, 2,324 के आसपास इसको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है अपर साइड पे। वहीं अगर नीचे की बात करें तो भैया अगर इसमें रेजिस्टेंस टूटा जो 2,276 का है, तो हमारे को इसमें लगभग 2,216 के बाद अगला सपोर्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद 119 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो इसमें ऐसे रिजल्ट्स के साथ डेफिनेटली थोड़ा बेरिश मूवमेंट इंडिकेट होता है कि बेरिश मूवमेंट इसमें रहेगा, पर अगर पिछले कुछ टाइम से बात करें जून से लेकर, इसमें पहले ही ऑलरेडी थोड़ी बहुत करेक्शन हो चुकी है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होगा, ऐसा भी नहीं कि एक साथ बहुत ज़्यादा ये पिट जाएगा, क्योंकि पहले इसमें कहीं ना कहीं मार्केट इसको ऑलरेडी करेक्ट करके थोड़ा नीचे लाई है, जो लगभग ये अपने 2,450 और 2,500 के बीच में घूमता हुआ हमारे को नज़र आया था जून के स्टार्टिंग में। और वहीं अगर हम बात करें वनडे में इसकी RSI की, तो RSI कमज़ोर दिख रहा है, 50 के नीचे है, जो इंडिकेट कर रहा है प्राइस में कमज़ोरी। और MACD क्रॉसओवर बनाने की कोशिश कर रहा था पर क्रॉसओवर अभी हो नहीं पाया, तो इंडिकेट कहीं ना कहीं रिजल्ट्स के साथ इसमें थोड़ी बहुत नेगेटिविटी रहेगी, थोड़ा बहुत मार्केट इसको करेक्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। पर अगर देखा जाए तो जून में पहले ही ये इस शेयर को काफ़ी हद तक करेक्ट कर चुका है, गिरावट आएगी, पर हाँ ये है कि बहुत ज़्यादा गिरावट हम इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा ये इसमें हमारे को गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें तो भैया पिछले ट्रेडिंग सेशन दिन 60% की डिलीवरीज इसमें उठाई गई है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट इसको ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है डिलीवरीज देख के तो यही लग रहा है। और वहीं बात करें तो लगभग ट्रेडिंग सेशन में इसने उस दिन लगभग 0.41% इसमें गेन साइड रहा, जहां पॉइंट्स की बात करें 9.55 पॉइंट्स इसमें हमारे को गेन भी देखने को मिला। वहीं अगर अपसाइड की बात करें तो 2,342 के प्राइजेस भी इसने टच किए थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिल सकती है। एक दिन मार्केट डेफिनेटली इससे नाराज रह सकती है, पर इतना बड़ा सडन फॉल इसमें देखने को हमारे को ऐसा नहीं मिल सकता कि बहुत ही नीचे ड्रैग होता चल जाएगा। अगर आप सोचोगे 2,000 के आसपास लेवल चल जाएगा, इतना नीचे ये जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों वीडियो लगाओ इन्फॉर्मेटिव, प्लीज सपोर्ट, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए, वीडियो को मोटिवेशन मिलता है, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी रखिए, डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, मेरा जॉब बनता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।